बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी असद। मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। सुबह का टाइम है और किस तरह जो है हमारे सभी रूटीन यहाँ पर गुजार रही होती हैं, खाने का भी टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, सब लोग जो है बड़ी एनर्जी के साथ जो है सब बैठ के टीवी देख रहे हैं आप लोग। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, सब ठीक है। आज तो ठंडी हवा चल पड़ी आखिरकार। मैंने चलाई थी। अच्छा, मैंने नहीं चलाई। मैं तो चारों ठंड कम रहे लाहौर इस्लामाबाद, उनका भी वो जो बिनते फातिमा लाहौर इस्लाम, उनका भी हौसला है भाई, वहाँ बहुत ठंड है। तो सही लग रहा है मौसम, अच्छा लग रहा है। ये रहेगा ठंड का, तो आप तैयार हैं ठंड के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब ठंड दोबारा शुरू हो? बिल्कुल जी। तो जी इसी तरह जो है किचन में भी जो है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक हैं? माशाल्लाह जी। तो जी इसी तरह जो है किचन में भी जो है आज उस्मान भाई की तरफ से जो है खाना जो है उसका बंदोबस्त किया गया माशाल्लाह माओ के लिए। देखिए, ये वो मामलात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों की तरफ से जो है किया जाता है कि इन माओ को बेहतर से बेहतरीन जो है वो खाना खिलाया जाए। ये यकीन करें, इसके रिटर्न में वो लोग दुआएं दे सकते हैं। और फ़र्क इतना है कि जो आपका भेजा हुआ खाना है वो बस इनको सर्व हो जाए, इन तक पहुंच जाए, तो मेरा ख्याल है हमारा आपका काम मुकम्मल हो गया। ये बहुत है। अब ये मनोसलवा अल्लाह भेजे, आप जो बाहर तक छोड़ के चले जाते हैं, ये इन माओं तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इनके नसीब जो रिज़क जो अल्लाह ने इनका लिखा है, तो माशाल्लाह यहाँ जी ट्रे बन रहे हैं इनके। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज सामा भाई की फैमिली की तरफ से जो है आज मटन और चिकन पुलाव है माशाल्लाह। ये देखें जी, इनकी जो है प्लेट इन्होंने बनाई है, और साथ में इसमें क्या है, अच्छा इसमें जो है मटन, इसमें चिकन कौरमा है इसमें जो है माशाल्लाह। तो साथ में जो है बड़ी खूबसूरत सी जो है इसमें माशाल्लाह खीर के इनके ट्रे है, क्या बात है जी। तो जी ये वो सारी मामलात हैं कि जिस तरह से आप लोग यहाँ तक इन माओं के लिए मनोसलवा पहुँचाते हैं, वो इन तक पहुँच जाए तो वो बहुत बड़ी गनीमत है, इन माओं के नसीब हैं। बाकी हर देखें, हर किसी ना किसी के साथ मसले मसाइल हैं, किसी के फैमिली मेंबर्स उनको नहीं पूछते, कुछ और इश्यूज हैं, क्योंकि रिश्ते नहीं हैं, मतलब उनके फैमिली मेंबर ही नहीं है, रिश्तेदार ही नहीं है जिनसे वो क्या शिकवा करें, तो फैमिली में ही कोई नहीं है उनके आगे पीछे। तो जी आज जो है उन फैमिली की तरफ से जो है माशाल्लाह चिकन पुलाव है, साथ में खीर भेजी गई है, साथ में जो है वो ये चिकन कौरमा है, रोटी है, चपाती है साथ में। अल्लाह ताला उनके रिज़क में माला ताला बेपनाह बरकत दे, जो इन माओ का ख्याल करते हैं, देखते रहते हैं, अल्लाह बड़ी जजा दे। फिर ये भी यहाँ की रूटीन का हिस्सा है, सब लोग जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं। और सब ठीक है, खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान आंटी, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं माशाल्लाह। बच्चों का फोन आ जाता है तो मुबारक हो। वैसे तो ज़रा दिल उदास हो जाता है, वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन वो बच्चों की वजह से थोड़ा दिल कभी कभी उदास हो जाता है, अगर आ जाता है तो अच्छा लगता है। इसलिए आप इतनी खुश लग रही हैं माशाल्लाह। चले, मेरी दुआ है कि आप इसी तरह ही मुस्कुराती रहे, खुश रहे, और बिल्कुल उन तमाम लोगों को दुआएं दीजिएगा जो यहाँ मनोसलवा पहुँचाते हैं, ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ठंड इंजॉय करती रहे, बस मुस्कुराती रहे जी, ये मकसद होता है बेसिकली यहाँ की एक्टिविटी, ये सब चीज़ें शो करने का। जी जी जी, ठंड तो आ गई है लेकिन स्वेटर भी रुकना नहीं कर लिया। स्वेटर भी आ गए दोबारा वापस, वो वापस अभी देर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो तो जो है ट्रंक में जाने की वजह दोबारा फिर वापस आ गए हैं। चले जी, कोई बात, आपको भी ठंड लग रही है? खुश लग रही हैं पर आप? माशाल्लाह, नहीं मुझे नहीं लग रही। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब आई थी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? खुश है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आए, थैंक यू, आपको मैं बहुत दुआएं देती हूं। जज़ाकअल्लाह मेरे बेटे जैसे, जज़ाकअल्लाह वहाँ जी, जज़ाकअल्लाह आपको बड़ी उम्र दे, माशाल्लाह। आमीन जी, इतनी अम्मा है, इतनी अम्माओं के बेटे, आपके जैसा मेरा भाई होता तो मेरे को पूछता हूँ ना, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ ना। देखे जरा सुबह सुबह देखे, मेरा भाई तो तेज कहने ना भी रहता है, अरे पूछता भी नहीं है फोन करके, तो हमने क्या करना है ऐसे। चले, बात यह है कि जहाँ भी रहे
खुश रहे। एक बस बहन है जो फोन करके पूछती है। चलो उनके लिए दुआ कर दिया करें, ठीक है। हमने ऐसे कनाडा को क्या करना है कि जो जो कोई लेकिन फोन तो करके पूछ। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, ऐसे कनाडा का क्या फायदा कि जो है वो कम से कम बहन का ही पता ना करे। चले अल्लाह उनको हदायत दे। भाई बहनों ने फेंक दिया तब हम यहाँ आपके छत के सहारे आ गए और आपने हमें सहारा दिया। अल्लाह आपको अल्लाह इसका अजर देगा। मैं दुआ करूँ आपके हक भाई ने भी बहनों ने भी फेंका कि हम नहीं रखते, जाओ जाओ जाओ। मेरा मियाँ बेचारा हाथ का तंग हो गया, उसकी रोजगार बंद हो गई, वो बेचारा फिर मजबूरन दुबई चला गया। चार पैसे कमा के लाऊं मकान दूं तेरे को रखूं मैं, और मुझे यहाँ रख के गया क्या अल्लाह के आश्रय। चले चले अल्लाह के आश्रय में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले वो अगर किसी हलाल रिज़्क के लिए गए हैं, आप दुआ करें कि चलें अल्लाह उनको बरकत दे, ठीक है। हाँ अल्लाह बरकत दे, और जब वो सेटल हो जाएं तो फिर आप अपने पास रख लें। उनके चाचा का इंतकाल हो गया चले। मुझे ये बताएं आप खुश हैं? चले अल्लाह का शुक्र है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। आप जैसे लोगों के साथ मैं कैसे नहीं रहूं। थैंक यू माँ जी, आमीन। बस बस अम्मी के लिए फरजाना माँ, उनके लिए दुआ कर दिया करें, अल्लाह उनको सेहत दे, आबाद रखे, हमारी रौनकें उनके साथ है। आमीन आमीन आमीन। बस आप खुश रहा करें, आमीन। थैंक यू बतूल आपा, थैंक यू। तो बस ही उन लोगों के भी दुआ करते रहे कि जो थोड़ा जरा यहाँ ख्याल करते हैं, अपनी डोनेशन सब चीजें करते हैं, उनके लिए भी दुआ करती रहा करें, ठीक है माँ जी। हाँ आप देखे ना, अभी हमें फिक्र ही नहीं है, अल्लाह किस तरह अपने नेक बंदों के जरिए सानी करता है। देखे ना आज माशाल्लाह खाना भी इतना अच्छा है, अल्लाह की तरफ से है ना। तो उन लोगों के भी दुआ करते रहा करें। थैंक यू माँ जी। आमीन। वो असल छुपे फरिश्ते वो है, वो ऐसे ही कह रहा ना मैं। तो बस जी ये थोड़ा बहन का अल्लाह 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 जी कबूल भी करता है। हाँ बेशक करते हैं, बेशक बेशक बिल्कुल जी। मियां का आसरा होता है कि उसका फोन आएगा तो असद भाई मुझे देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी तो बस जी ये सिलसिला होता है, यकीन करें मेरा मकसद भी यही होता है कि अगर ये थोड़ा सा जरा उदास बैठे हैं तो थोड़ा एक एक्टिविटी किस्म की काइंड ऑफ एक्टिविटी कि लोग खुश हो जाएं, थोड़ा अगर लंबी सोचों में गेम है तो वहां से वापस आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है अपनी सोच को यहाँ लोगों में डाइवर्ट करें। अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, जो फरजाना वहाँ का इनिशिएटिव था कि हम इनके साथ रहेंगे ताकि कुछ बात ना करें, लेकिन बेटा आ रहा है, बेटा जा रहा है, बेटी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, वो एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो बस ये एक मकसद था आपसे शेयर करने का आज की एक्टिविटी। मेरी भी आपसे गुजारिश है, बहुत सारे इस तरह की स्टोरीज हैं, बहुत सारे इस तरह के मामला हैं जो शायद मैं यहाँ पे आपसे खुल के भी बयान ना कर सकूं। तो आप बस एक चीज़ कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक मैसेज पहुँचे, पैगाम जाए। ये हमारी माएँ आम नहीं है, ये आम नहीं है, बहुत सारे दुख हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खुश रहें, खुशी की तरफ जाएँ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और रमज़ान रिसेंटली आने वाले हैं, समझे आ ही गए हैं किस्म के, तो आप अपनी डोनेशंस, अपनी ज़कात अतियात में बिनते फातमा कराची लाहौर इस्लामाबाद की माँ को ज़रूर याद रखिएगा। यकीन जानिए आपकी उस मदद से पूरे साल के न जाने कितने बड़े बड़े मामला, कितने बड़े बड़े काम जो है वो आसान हो जाते हैं, और पूरे साल का जो सदका जारी है वो आप लोगों को जाता रहेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 03212070460। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाक अल्लाह खैर। बस आप टेंशन ना लिया करें, खुश रहा करें, ठीक है। चलें जज़ाकअल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह। अरे आपका बेटा है ना? हाँ बेटा है ना, वो भी कराएगा इंशाल्लाह। रमजान में और ईद में कैसे भूल जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह याद रखेंगे, बिल्कुल अल्लाह के फरिश्ते याद रखेंगे। बस इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मिलने आएंगे इंशाल्लाह।